दोस्तों, आईएएस को लेकर के काफी सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस समय आप देखेंगे तो आईएएस की तरफ से काफी बड़े अपडेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और इन अपडेट्स को आप सभी के सामने हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। और इस वीडियो में आपको काफी सारी ऐसी जानकारी है जो महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है? आपके बर्निंग के रिगार्डिंग, साथ ही साथ आपने जो कॉइन माइन किया है उसके बर्निंग के रिगार्डिंग, और क्या सप्लाई अब यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज करेगी, इसके रिगार्डिंग भी आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे, समझते हैं कि आईएएस में क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है और इनका एक न्यू एग्रीमेंट हुआ है जो यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग है, उससे क्या यहाँ पे प्राइस पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, तो सीधे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे आईएएस और सिफ्टर का यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे इनका पार्टनरशिप हुआ है और ये पेमेंट के रिगार्डिंग आगे चल करके यहाँ पे जो मेथड है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब स्विफ्टर की जो भी यहाँ पे सर्विसेज होंगी उसमें आप देखेंगे यहाँ पे आईएएस का कॉइन यूज किया जा सकेगा, ऐसा इनकी तरफ से यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड किया गया है। अभी तक की जैसे कि मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड की थी पिछली वीडियो में, 5 मिलियन का यहाँ पे लगभग इन्होंने मेननेट नहीं आया है तब यहाँ पे डिपॉजिट किया है और 5 मिलियन ये मेननेट के समय डिपॉजिट करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यही पेमेंट आपको आगे चल करके जो स्विफ्टर है इसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, तो वहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्विसेस होंगी आप अगर चाहें तो पेमेंट कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का अभी क्वेश्चंस आता है कि क्या जो यहाँ पे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं उनका कॉइन का क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए आईएएस की टीम से सेम क्वेश्चंस भी पुट अप किया गया था, व्हाट विल हैपन द आईएएस कॉइन मिंटेड यूजर हैव नाउ बीन सस्पेंडेड, विल दे गॉट आईएएस टीम बी बर्न, क्या ये कॉइन जो यहाँ पे जिन लोगों ने माइन किए हैं और उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये कॉइन क्या आईएएस टीम के पास जाएंगे फिर मार्केट में आएंगे या सीधे सीधे बर्न किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनका अपडेट भी आया है, बर्न ऑफ कोर्स, यानी ये सीधा सीधा कॉइन यहाँ पे बर्न किया जाएगा, इसको मार्केट में नहीं लाया जाएगा। दूसरा अपडेट मैं प्रोवाइड कर दूँ जो कि यहाँ पे थर्ड केवाईसी यानी एक तरीके से जो क्विज वेरिफिकेशन है उसको लेकर के है, मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा। मान के चलिए आपने 10 लोगों को इनवाइट किया था, 10 लोगों में से 5 लोगों ने आपका क्विज वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया और 5 लोगों ने नहीं किया, तो 5 लोगों से जो भी आपके बोनसेस इनकम हुई होगी वो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी बर्निंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अब आप माइनिंग भी कर रहे हैं तब भी आपका ये कॉइन यहाँ पे बर्न हो रहा है, ये आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आईएएस का जो क्विज वेरिफिकेशन है वो नहीं किया है, तो इससे जो टोटल सप्लाई है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और इनकी अब सप्लाई आप देखेंगे 35 बिलियन या 40 बिलियन से ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे ही रहेगी, जो कि अभी तक का यहाँ पे अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं इसकी लेटेस्ट जो स्थिति है वो भी आपको दिखा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे आईएएस कॉइन की जो लेटेस्ट स्थिति है वो कॉइन मैट्रिक्स यानी इनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। सर्कुलेशन सप्लाई में जो अभी तक का यहाँ पे कॉइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्कुलेशन सप्लाई में इतना कॉइन अभी तक लाया गया है, टोटल सप्लाई अभी तक की जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई है। प्राइस इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो प्राइस इम्पैक्ट आपको 0.00522256 करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इंपैक्ट है। उसके बाद मार्केट कैप, अभी तक का यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना यूएसडीटी का मार्केट कैप है। टोटल जो 24 आवर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 24 आवर्स में। इसके बाद किसके द्वारा इतना यहाँ पे किया गया, कम्युनिटी पूल है और यहाँ पे आप देखेंगे टीम पूल है 15%, डाओ पूल है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता जाएगा और किन किन एक्सचेंज पे लिस्ट है वो भी यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जो अभी लेटेस्ट स्थिति थी वो मैंने आप सभी के सामने रखी है, साथ ही साथ ये क्या ब्लॉकचेन डेवलप करेंगे वो तो आपके सामने ही है, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे इनका डाउन जा रहा है। डाउन जाने का कारण है क्योंकि सर्कुलेशन में काफी ज्यादा यहां पे सप्लाई है, इसीलिए इनके द्वारा थर्ड क्विज लाया गया। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये दोबारा मौका देंगे, तो मेरे हिसाब से 90% चांस है कि ये मौका न दें दोबारा से, जिनका तीनों राउंड यहाँ पे फील्ड हो चुका है उनको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़े। 10% या 5% चांस हैं कि कम्युनिटी अगर ज़्यादा नाराज हो जाए तो ये दोबारा यहाँ पे लेकर के आएँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे अनफॉलो कर देंगे, तो लगभग आप देखेंगे 22 लाख के समथिंग यानी 2.1 मिलियन के समथिंग इनकी कम्युनिटी ऑलरेडी ट्विटर पर है, उससे ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर आप सभी अगर देखेंगे तो लगभग जो अभी की स्थिति है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन थर्ड वाला है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम अनफॉलो कर देंगे तो इनका घाटा
घाटा हो रहा है, इनका कुछ भी घाटा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रयास कीजिए कि कैसे भी करके आपका यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे क्विज है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। एक और अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन लोगों का थर्ड केवाईसी में प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिला। आप सभी का क्वेश्चन आता है कि थर्ड जो यहाँ पे केवाईसी है वो हमारा नहीं हो रहा है। देखिए, आपको कोई भी यहाँ पे वीडियो बना के प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे इनके ट्विटर पे ही अगर आप जाएंगे आयुष के ट्विटर पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो रिप्लाई करता है ना आयुष टीम, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यूजर के द्वारा, यानी इनका बड़ा ट्विटर हैंडल्स है, इनके द्वारा यहाँ पे वीडियो बना के शेयर किया गया था, तो आयुष ने इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब आयुष ने इनका अकाउंट ब्लॉक किया है, आपको देखने के लिए तो मना नहीं किया है कि आप ये क्वेश्चन ना देखें, आप देख तो सकते हैं ना, आपका तब तो ब्लॉक नहीं होगा ना। तो आप यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो उनको आप लिख करके रख लीजिए, उनको रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप आयुष का जो थर्ड क्विज है वो सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे भी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है, कोई भी जो यहाँ पे 1-2 हज़ार टेलीग्राम में मेंबर्स हैं उनमें जाकर के शेयर करता है, तो किसी को भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठा कीजिए अपने पास, और उनको वहाँ पे रीड कीजिए, और रीड करने के बाद यहाँ पे आप उनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जिन जो भी आपको वीडियो शेयर करेगा उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और दोबारा अकाउंट अनब्लॉक नहीं किया जाएगा, ये चीज़ भी आप याद रखिए। क्योंकि इनका जो मेन टारगेट है वो है कॉइन को कम लाना और सप्लाई को यहाँ पे कम करना, कैसे भी करके कम करना। उनका क्वेश्चन है कि हम थर्ड जो यहाँ पे 30% हमें यहाँ पे चार्ज लग रहा है वो हम नहीं देना चाहते, तो आप मत दीजिए। अगर आप अभी नहीं देंगे तो आप यहाँ पे वॉलेट एड्रेस आपको हटाना पड़ेगा। अगर हमारी बात करते हैं तो देखिए, आप जिस हिसाब से इनकी कंडीशंस को देखेंगे वो धीरे धीरे यहाँ पे चेंज हो रही हैं, हो सकता है कि मेन नेट के समय जाकर के और ज़्यादा चेंज करते हैं। तो जितना ज़्यादा कॉइन ले रहे हैं लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एड्रेस वगैरह मत हटाइए, क्योंकि अगर आप एड्रेस वगैरह चेंज करते हैं तो आपका कॉइन नहीं मिलेगा, यानी जो हटा देते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका लगा है आप चेंज कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट से मेटामास्क कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटाइए मत, जितना कॉइन मिल रहा है उतना लेते जाइए। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आगे चल करके हर किसी का यहाँ पे टर्म्स कंडीशन चेंज होता है, जैसे कि अभी एवाइब ने किया है, पहली बार में सही दिया, दूसरी बार में आप सभी जानते हैं कितना यहाँ पे दिया है, उस हिसाब से इनका भी आगे जाकर के मेन नेट के समय यहाँ पे जो कंडीशंस है वो चेंज होगा। तो आप सभी याद रखिए, जितना ज़्यादा हो सके आराम से लेते रहिए कॉइन, और वेरिफिकेशन जरूर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका एक राउंड बचा है, दो राउंड बचे हैं, तीनों राउंड है, तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो समय है वो बहुत ही सीमित रखा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो की रिगार्डिंग आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको संकेत दे चुका हूँ, टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं हर चीज़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।